बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000 टू अंडर 1 लाख रुपीज। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में 60,000 से लेके 1 लाख तक के जो सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है उन सबको चेक करेंगे। एंड आपको मैं 13 जनरेशन वाले लैपटॉप भी बताऊंगा। सारे लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ है, ड्यूरेबल लैपटॉप है, चाहे उसकी रैम एंड स्टोरेज हो दोनों चीजें में एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 8 GB रैम, 16 GB रैम और जिसे हम 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। सभी लैपटॉप की सीपीयू एंड जीपीयू स्कोर्स की बात करेंगे, साथ में जो गेमिंग परफॉर्मेंसेज है उन सबको चेक करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स चेक आउट द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000 टू अंडर 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहला लैपटॉप है एसर का नाइट्रो 5। देखो इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 62,000 रुपीस। एंड एक्चुअली इस पीरियड का ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। प्लास्टिक विल बॉडी मिल जाती है बट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। अब ये लैपटॉप किसके लिए परफेक्ट है, चाहे आपने गेमिंग करनी है और चाहे आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, वो दोनों चीजें इस लैपटॉप के ऊपर पॉसिबल है एकदम ही स्मूथली। GTA एंड वैलोरेंट जैसी गेम्स की एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड इसी के साथ ही अगर आप अपने लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो चीज भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। इंटेल कोर i5 11400H प्रोसेसर है, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला काफी स्टेबल एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है इस पीरियड का। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। नाउ द थिंग, इसके लैपटॉप के अंदर ना आपको 8 GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। बट इसी सेम लैपटॉप में आपको 16 GB की रैम के साथ भी ऑप्शन मिल जाएगा, बट वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 512 GB की SSD मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल 15.6 inches की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 45% NTSC, 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। देखो लैपटॉप के डिस्प्ले में आपको 100% sRGB तो नहीं मिलती, बट इसमें अराउंड 70% sRGB है। सो वीडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के जितने भी काम है ना वो एकदम ही बढ़िया से आप कर सकते हो। NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB वाला डेडिकेटेड, 75W TGP वाला। 1650 की सारी गेमिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। विंडोज 11 आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लैपटॉप में। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। सिंगल हैंड से आप इस लैपटॉप को ओपन कर सकते हो। 4 ZR बैकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा आपको इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है Acer Nitro 5। एंड एक और चीज है, देखो इसी सेम बजट में आपको बिल्कुल ही डिटो स्पेसिफिकेशन में HP का लैपटॉप मिल जाएगा, HP Victus। इन दोनों में एक्चुअली किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है, बस ये जो HP Victus है ना वो आपको 16 GB की रैम के साथ मिल जाएगा। बेस्ट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000, तो MSI Katana GF66 69,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। एंड इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है क्योंकि इसके अंदर आपको लेटेस्ट 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। प्लास्टिक विल बॉडी मिल जाती है बट काफी बढ़िया प्लास्टिक यूज किया गया। इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर दिया गया, H सीरीज का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस आपको एकदम ही बढ़िया मिलने वाली है। 4 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है लैपटॉप ये। 8 GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। एंड इस बजट में आपको दूसरा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको 64 GB रैम तक का एक्सपेंशन ऑप्शन मिल जाए। 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। फुल साइज डिस्प्ले 15.6 inches की फुल HD IPS लेवल, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC एंड 250 nits की ब्राइटनेस। NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB वाला विद 60W TGP। 3050 के गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। विंडोज 11 मिल जाएगी आपको लैपटॉप में, सभी नेसेसरी पोर्ट्स की सपोर्ट है एंड बैटरी बैकअप सेम आपको 3-4 घंटे तक का मिल जाएगा। सिंगल रेड कलर बैकलेट कीबोर्ड है लैपटॉप में। एंड इसे बाय करने का ना एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर ना आपको पूरे 2 सालों की वारंटी मिलती है, सिंपली विच इज डबल वारंटी एज कम्पेयर टू ऑल द अदर लैपटॉप्स ऑफ दिस बजट। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पूरे 2 सालों की वारंटी पहले से मिल रही है। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप एक नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो ना तो अपने दूसरे चैनल पे आ जाओ, बायर लाइक यू। वो चैनल टोटली फोन के ऊपर डेडिकेटेड है, आपको हर बजट के फोन के ऊपर वीडियो मिल जाएगी डेडिकेटेड, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा मैं। नाउ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 80,000 Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप। देखो इसके अंदर आपको काफी तगड़ा प्रोसेसर दिया गया एंड साथ में GPU भी एकदम ही बढ़िया है इसका। इन सिंपल वर्ड्स, आप इस लैपटॉप के ऊपर ना किसी भी तरह का कोई भी हैवी काम कर सकते हो। जैसा मर्जी आपने हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, जैसी मर्जी आपने गेमिंग करनी है, हार्डकोर गेमर्स के लिए ये लैपटॉप टोटली रिकमेंडेड है। देखो इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 80,000 रुपीज, बट इसी सेम लैपटॉप का ना कभी कभी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ट्रैक नहीं रखना ना तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करो, वहां पे मैं हर एक लैपटॉप के बारे में सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ कि आज की डेट में कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए, किसके ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड कौन सा लैपटॉप ओवर प्राइस चल रहा है जिसे आज की डेट में बाय नहीं करना चाहिए। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन वाला, 12500H एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। बहुत ही बढ़िया थर्मल्स मिलती है लैपटॉप के अंदर हमें, 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। लैपटॉप में आपको 16 GB की रैम प्री इंस्टॉल मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, जिसे हम 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD दी गई है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली ग्राफिक कार्ड। देखो NVIDIA
RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 4GB वाला, GDDR6 95 वॉट्स TGB वाला। सारे पॉपुलर गेम्स के FPS स्कोर्स आप देख सकते हो। विंडोज 11 मिल जाती है हमें प्री इंस्टॉल, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अराउंड 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। एक्सबॉक्स गेमिंग पास दिया गया एंड बहुत ही अट्रैक्टिव सा 4-Zone RGB बैकलेट कीबोर्ड दिया गया इसके अंदर। देखो सिंपल चीज है कि ये लैपटॉप मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं ना कि इस लैपटॉप को मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूं एंड परफॉर्मेंस वाइज मुझे इस लैपटॉप के अंदर आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज को लेके, तो आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। एंड इसी बजट में ASUS की टफ सीरीज का एक लैपटॉप भी अवेलेबल है, ASUS टफ -F15 लैपटॉप। उसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, सब कुछ सेम है, बस उसके अंदर आपको 12450H प्रोसेसर दिया गया है, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो, काफी तगड़ा लैपटॉप है वो भी। अब बात करते हैं 90,000 से लेकर 95,000 तक के बजट की ASUS टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। 95,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। सबसे पहली चीज की मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, ड्यूरेबिलिटी एकदम ही नेक्स्ट लेवल है इसकी। इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया 12700H, 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो इतना तगड़ा प्रोसेसर दिया गया ना कि परफॉर्मेंस के सिनेरियो में आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। 16GB की रैम दी गई है लैपटॉप में, DDR5 4800MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो अभी तक के जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताया ना उसमें भी काफी लैपटॉप में 16GB की रैम मिल जाएगी, बट वो रैम है DDR4, इसके अंदर दी गई है DDR5 रैम एंड ये ज्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाली है, 4800MHz वाली रैम है। तो सिंपल चीज है कि इसके अंदर जो आपको 16GB की रैम मिल रही है ना उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है बाकी वो लैपटॉप जिसके अंदर आपको 16GB की रैम मिल रही है बट वो DDR4 रैम है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, 512GB की SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। फुल साइज डिस्प्ले 15.6 इंचेस की, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, IPS लेवल, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, NVIDIA RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड दिया गया 85W TGP वाला। गेमिंग परफॉर्मेंस आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके, आप बिल्कुल ही बिंदास होकर इसके ऊपर हार्डकोर गेमिंग कर सकते हो लंबे टाइम तक। विंडोज 11 मिल जाती है, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा आपको लैपटॉप में, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, 50% जो इसकी बैटरी है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। मक्स स्विच के साथ ही ऑप्टिमस भी मिल जाएगा आपको लैपटॉप में, तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है एंड टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। एंड इसी सेम स्पेसिफिकेशन में आपको Acer Nitro 5 लैपटॉप भी मिल जाएगा बट उसका जो प्राइस है वो अराउंड 1,00,000 रुपए रहता है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस दोनों की कंप्लीटली सेम है, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर रैम एंड स्टोरेज है एंड दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1,00,000 रुपीज इज MSI Katana 17 लैपटॉप। देखो लेटेस्ट 13 जनरेशन वाला लैपटॉप है, परफॉर्मेंस अनडाउटेडली अनबीटेबल मिलेगी आपको, सारी गेम्स बहुत ही स्मूथली चलती है, GTA 5 Valorant होगी, Red Dead Redemption, Forza, God of War, सब कुछ आपको एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ मिलेगा इस लैपटॉप में। मेटेलिक बॉडी है, ड्यूरेबिलिटी एकदम ही नेक्स्ट लेवल है इसकी, 1,00,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया 13 जनरेशन वाला, 13620H, एकदम ही तगड़ा प्रोसेसर है, 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है, 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 5200MHz वाली डुअल चैनल, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB। देखो रैम के मेगाहर्ट्ज़ काफी तगड़े हैं, 5200MHz वाली रैम है ये, 512GB की SSD मिल जाती है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। नाउ द थिंग इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलती है ना वो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले के कंपैरिजन में भी काफी बड़ी डिस्प्ले है, 17.3 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है लैपटॉप में आपको, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो आप में से जिसे भी एडिटिंग करनी है या फिर आपने गेमिंग करनी है ना, तो बड़ी डिस्प्ले होना एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है लैपटॉप में। अभी इसका GPU देखो, 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया आपको लैपटॉप में, RTX 3050। विंडोज 11 मिल जाएगी आपको प्री इंस्टॉल, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अराउंड 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। 4-Zone RGB गेमिंग कीबोर्ड दिया गया, कूलर बूस्ट 5 थर्मल डिजाइन है इसका, यानी कि ओवरहीटिंग का इशू बिल्कुल ही मिलेगा आपको लैपटॉप में। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है, 2 साल की वारंटी के साथ आता है लैपटॉप, तो अंडर 1,00,000 रुपीज में ये लैपटॉप टोटली परफेक्ट लैपटॉप है। देखो एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया i7 का 13 जनरेशन एंड दूसरा ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं इस बजट का जिसके अंदर आपको सेम प्रोसेसर के साथ ही 16GB की रैम मिल रही हो एंड 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया हो, टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। सो यार दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023। देखो आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि सबसे पहले आपने अपना बजट डिसाइड करना है कि आपको किस बजट के अंदर लैपटॉप चाहिए। जो भी लैपटॉप मैंने उस बजट के अंदर बताया ना, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन, आंखें बंद करके आप उस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, सभी में आपको परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है एंड सभी के सभी लैपटॉप टोटली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।